तो दोस्तों नमस्कार, मैं हूं आपका दोस्त और आपका होस्ट आरजे आशीष, और आप सभी का भारत एफएम के इस कार्यक्रम में जिसका के नाम है सतरंगिनी, मैं आपका तहे दिल से स्वागत है। और आज हमारे इस साप्ताहिक श्रृंखला में आज की जो हमारी कड़ी है उसका नाम है आज़ादी और नवनिर्माण। तो आज डॉक्टर नवल भाभरा हमें आज़ादी और नवनिर्माण के टॉपिक पर कुछ कविताएं, कुछ शायरियां और कुछ कहानियां सुनाएंगे। तो डॉक्टर भाभरा नमस्कार, आपका इस कार्यक्रम में एक बार फिर स्वागत है। नमस्कार। तो आज आप कैसे शुरुआत कर रहे हैं इस कार्यक्रम की? सबसे पहले तो मैं सभी को भारत के डॉक्टर ने स्वाधीनता दिवस की बहुत बहुत बधाइयां शुभकामनाएं देता हूँ। भारत में बड़ा धूमधाम से और समारोह पूर्वक आज सुबह स्वाधीनता दिवस मनाया गया सब जगह, दिल्ली में, जयपुर में, अजमेर में, विश्वविद्यालय जाके आया था। अमेरिका में खास तौर से जो हमारे सब आत्मीय जन हैं, भारतवासी हैं, उनको खास तौर से मैं बधाई और शुभकामनाएं देता हूँ स्वतंत्रता दिवस की, क्योंकि वे भारतवासी हैं लेकिन देश की माटी से दूर हैं। जो चीज दूर होती है उसके प्रति एक लगाव, एक आत्मीयता और उसकी स्मृति तो तो डॉक्टर बिल्कुल डॉक्टर भाभरा, एक बात बिफोर यू मूव ऑन, मैं हमारे सुनने वाले और हमारे जो फेसबुक पर जो हमारे दर्शक हैं उन्हें मैं ये बता देना चाहूँगा कि आज डॉक्टर भाभरा को अजमेर यूनिवर्सिटी ने फेलिसिटेट किया क्योंकि उन्होंने अजमेर यूनिवर्सिटी के लिए कुल गीत लिखा था। तो आज आज ही उनको इस उसी स्वतंत्रता दिवस के अवसर पर उन्हें फेलिसिटेट किया गया। सो बधाई हो डॉक्टर बाबरा। थैंक यू, आपको बहुत बहुत धन्यवाद। तो आज आज आप जो इस श्रृंखला में जो जो कुछ आप सुनाने वाले हैं हमें, उसमें अगर मौका मिले तो थोड़ा उस कुल गीत के दो चार लाइन भी आप सुना दीजिएगा अगर मौका मिले तो। हाँ, कुलगीत वो है अजमेर और अजमेर अंचल और उसके परिवेश के बारे में। एक खास बात यह है कि विश्वविद्यालय में जितने भी अलग अलग ब्लॉक्स हैं, बिल्डिंग्स हैं, भवन हैं, उनके नाम प्रसिद्ध भारतीय ऋषियों पर रखे हुए हैं। जैसे चाणक्य भवन, प्रताप भवन, बृहस्पति भवन, विक्रमादित्य भवन, अनाथ भवन, इसके भी कुछ का जिक्र आया है। इसका मुखड़ा यूं है कि अजेय नेहरू के प्रांगण में है ज्ञान ध्यान का आलय। है प्रसिद्ध यहाँ पर ये महर्षि दयानंद विश्वविद्यालय, क्या बात है, क्या बात है। अजय मेरू के प्रांगण में है ज्ञान ध्यान का आलय। पूरा हाँ, मुझे ऐसा सच अभी याद नहीं है, पर शुरुआत उसकी ऐसे है, अजय कोई बात मेरू नहीं, के प्रांगण में है ज्ञान ध्यान का। कोई बात नहीं। हम अपना जो रेगुलर प्रोग्राम है उसे शुरू करते हैं। आप उसे, आज जो हमारा टॉपिक है आज़ादी और नवनिर्माण, उस हम चाहेंगे कि आप उसकी शुरुआत करें। हाँ, तो आजादी एक बहुत बड़ा जज्बा है, स्वाधीनता की गीता है, जो आजाद है वही जीता है। पराधीन सपने सुख नहीं, तुलसीदास ने कहा है। पराधीन आदमी अगर होता है तो उसके सपने तक गुलाम हो जाते हैं। आपने तो छोड़िए, कोई भी स्वतंत्र विचार, कोई भी बड़ा सपना उसके दिमाग, दिल दिमाग में नहीं आ सकता है। तो तुलसी ने बहुत पहले एक बहुत बढ़िया बात कही थी कि पराधीन सपने सुख नाहीं, पराधीन को सपने में भी सुख नहीं है। इसलिए हमारे लाखों स्वाधीनता सेनानियों ने बरसों तक संघर्ष करके, शहादत देकर, अपने प्राणों की आहुति देकर, तकलीफ पाकर, जो हिंदुस्तान आजाद हुआ 15 अगस्त 1947 को, उसी की पावन स्मृतियों का यह समारोह हम मनाते हैं 15 अगस्त। एक बार सबको उसकी बहुत बहुत बधाइयां, शुभकामनाएं। विकास के बहुत बड़े बड़े सोपान हमने तय किए हैं। सबको पता है कि जब देश आजाद हुआ था तो
लगभग 1000 वर्ष से अलग अलग तरीके से हम गुलाम थे, 250 वर्ष अंग्रेजों के शासन में थे। तो एक तरह से कई तरह से विदेशी शासकों ने लूट खसोट और कचोट लिया था इस देश को, झरझरा दिया था इसको। तो जहां बड़ी दूसरी स्थितियां थी आजादी के समय, हमारे यहाँ सुई तक नहीं बनती थी, आज स्पेस प्रोग्राम में, सॉफ्टवेयर में, कंप्यूटर में, एटॉमिक एनर्जी में, इंजीनियरिंग, हमारे बड़े बड़े इंजीनियर्स और डॉक्टर्स अमेरिका में अपनी सेवाएं दे रहे हैं और नाम कमा रहे हैं। तो कहां से कहां स्थिति आ गई है, बहुत विकास हमने किया है, लेकिन अभी बहुत कुछ किया जाना बाकी है। तो 15 अगस्त पर एक कविता प्रस्तुत करता हूं पहले, उसका शीर्षक ही है 15 अगस्त। कि ये जो 15 अगस्त है, ये जो 15 अगस्त है, महज कैलेंडर पर आका हुआ एक दिनांक भर नहीं है। इट इज नॉट ओनली ए डेट, महज कैलेंडर पर आका हुआ एक दिनांक भर नहीं है, यह एक महान देश की तपस्विनी स्वाधीनता का पर्व है। यह एक महान देश की तपस्विनी स्वाधीनता का पर्व है। अरे यह वह पावन दिन है जिस पर भारत की शताब्दियों को गर्व है। यह वह पावन दिन है जिस पर भारत की शताब्दियों को गर्व है। ये बापू की सफल साधना का वरदान है, ये बापू की सफल साधना का वरदान है, ये शहीदों का रक्त चंदन है, बलिदान है, ये नेहरू का सपना है, लाल बहादुर की मुस्कान है, ये भगत सिंह चंद्रशेखर की शहादत का खून है, ये नेताजी सुभाष चंद्र बोस के आजाद हिंद का जुनून है। देश के वीर जवानों की शान, आन बान और शान है, ये करोड़ों लोगों की सांसों का आदर्श है। ये 15 अगस्त करोड़ों लोगों की सांसों का आदर्श है, ये हमारे सत्व का निचोड़ है। सत्व सब कुछ, प्राण, ये हमारे सत्व का निचोड़ है और हमारे सत्व का निष्कर्ष है, सब कुछ है। ये काली दमन की जमुना और भागीरथ की गंगा है, ये काली दमन की जमुना भागीरथ की गंगा है, ये जन गण मन की महागूंज फहराता तिरंगा है, ये जन गण मन की महागूंज फहराता तिरंगा है, ये हमारी सौंधी माटी का तिलक है इतिहास पुरुष के ललाट पर। समझिए, देखिएगा, ये हमारी सौंधी माटी का तिलक है इतिहास पुरुष के ललाट पर, एक नए सूरज की दस्तक है काल के कपाट पर, एक नए सूरज की दस्तक है काल के कपाट पर, अपार अजन्मी संभावनाओं के खुले क्षितिज का प्रवेश द्वार, अपार अजन्मी संभावनाओं के खुले क्षितिज का प्रवेश द्वार, 15 अगस्त हमारे बहुरंगी जीवन का मूल आधार है, मूल आधार है, क्योंकि जो आजाद है वही जीता है, जो आजाद है वही जीता है, और स्वाधीनता सार्थक जीवन की गीता है, स्वाधीनता सार्थक जीवन की गीता है। और जब तक 15 अगस्त है हम हैं, देखिए, जब तक 15 अगस्त है हम हैं, और जब तक हम हैं 15 अगस्त है, जब तक हम हैं 15 अगस्त है। कविता का समापन, कि हमें अपने शहीदों का ऋण चुकाना है, हमें अपने शहीदों का ऋण चुकाना है, उनके सपनों को पूरा करना है। अरे अभी बहुत कुछ धुंधला है, अधूरा है, हालांकि विकास बहुत किया है, लेकिन अभी बहुत कुछ धुंधला है, अधूरा है। 15 अगस्त के सच्चे पूरे प्रकाश के लिए अभी हमें और अभी और अभी और तपना है। क्या बात है, क्या बात है डॉक्टर बाबरा, दैट वाज वेरी गुड। बहुत ही बढ़िया कविता से शुरुआत की आपने इस कार्यक्रम की। और तो अगला आप हमें क्या सुना रहे हैं? एक
गीत मैंने लिखा था दूरदर्शन और आकाशवाणी के लिए, अच्छा देशभक्ति से ओतप्रोत। हाँ तो उसमें 6-7 बंद और छंद हैं, और उसमें आजादी के बाद भारत का जो हौसला है, विकास है, निर्माण है, यहाँ का भौगोलिक सौंदर्य और परिवेश है, हमारा संकल्प है, उन सब संवेदना और भावनाओं को कुछ छंदों में पिरोया है। 6-7 बंद का गीत है वो, चलिए सुनते हैं फिर, गाकर सुनाता हूँ। जरूर, बहुत ही बढ़िया। हमको अपने सपनों से भी प्यारा है, हमको अपने सपनों से भी प्यारा है, ये रंग बिरंगा हिंदुस्तान हमारा है, रंग बिरंगा हिंदुस्तान हमारा है। इसमें एक देखने की बात यह भी है इस गीत में, जो उसमें बंद में छंद में बातें कही है, उसी को फिर उसके अंतरे में बांधा है, वो पंक्ति खास तौर से सुनने लायक होगी हर छंद की, कि हरी भरी स्वच्छंद धरा धरा धरती, हरी भरी स्वच्छंद धरा और खुला हुआ उन्मुक्त गगन, इन पर अर्पित करते हैं हम अपना सारा तन मन धन, इन पर अर्पित करते हैं हम अपना सारा तन मन धन। सूरज ने अंधियारों को ललकारा है, सूरज ने अंधियारों को ललकारा है, ये स्वर्ण सुरंगा हिंदुस्तान हमारा, सूरज ये स्वर्ण सुरंगा हिंदुस्तान हमारा है। महावीर गौतम अशोक और गांधी से पारस ज्ञानी, पारस जिसको छूके लोहा भी सोना हो जाता है, महावीर गौतम अशोक और गांधी से पारस ज्ञानी, सूर कबीर जायसी तुलसी नानक की पावन बानी, सूर कबीर जायसी तुलसी नानक की पावन बानी, सत्य अहिंसा शांति प्रेम की निर्मल धारा है, ये ज्ञान उमंगा हिंदुस्तान हमारा है, ज्ञान उमंगा हिंदुस्तान हमारा है। उद्बोधन, जागो भारतवासी तुम हो ऋषियों की अमृत संतान, जागो भारतवासी तुम हो ऋषियों की अमृत संतान, अपने को पहचानो छेड़ो सत्यमेव जयते की तान, अपने को पहचानो छेड़ो सत्यमेव जयते की तान, जीवन रण ने फिर से तुम्हें पुकारा है, जीवन रण ने फिर से तुम्हें पुकारा है, ये वसुध कुटुंबा हिंदुस्तान हमारा है। देखिए वसुधैव कुटुंबकम जो हमारा कंसेप्ट है वो कैसे बांधा है, पुकारा है ये वसुध कुटुंबा हिंदुस्तान हमारा है। किसान, खेत और खलिहानों में मेहनत का गीत उगाएंगे, खेत और खलिहानों में मेहनत का गीत उगाएंगे, और बुझे हुए सन्नाटों में जीवन की ज्योत जगाएंगे, बुझे हुए सन्नाटों में जीवन की ज्योत जगाएंगे, बासंती रागों से पतझड़ हरदम हारा है, बासंती रागों से पतझड़ हरदम हारा है, ये लहर तिरंगा हिंदुस्तान हमारा, लहर तिरंगा। हर घर में हर आंगन में खुशियों का सावन लाना है, और बादल से बरसे रस का
हिस्सा सब तक पहुंचाना है, बादल से बरसे रस का हिस्सा सब तक पहुंचाना है, पानी पर प्यासों का हक सबने स्वीकारा है। अरे पानी पर प्यासों का हक सबने स्वीकारा है, ये हर हर गंगा हिंदुस्तान हमारा है, हर हर गंगा हिंदुस्तान हमारा है। अंतिम दो चंद, फौलादी बाहें हो अपनी, फौलादी बाहें हो अपनी, तीखी चुस्त निगाहें हो, और पाँव न थक कर रुक जाएं जो मीलों लंबी राहें हो, पाँव न थक कर रुक जाएं जो मीलों लंबी राहें हो, मंझधारे से अब भी दूर किनारा है, मझधारे से अब भी दूर किनारा है, ये प्रगति पतंगा हिंदुस्तान हमारा है। पतंगा सूर्य, ये प्रगति पतंगा हिंदुस्तान हमारा। अंतिम, जिस माटी से सब कुछ पाया उसको बारंबार प्रणाम, हम सबके लिए, चाहे हम भारत में हो चाहे अमेरिका में हो, जिस माटी से सब कुछ पाया, आज हम जो कुछ हैं इसी माटी की सौंधी गंध की वजह से, जिस माटी से सब कुछ पाया उसको बारंबार प्रणाम, और भारत के व्यतीत गौरव का जग में फिर कर देंगे नाम, भारत के व्यतीत गौरव का जग में फिर कर देंगे नाम, काम करो निर्माण करो ये नारा है, काम करो निर्माण करो यह नारा है, ये हुलस तरंगा हिंदुस्तान हमारा है, हमको अपने सपनों से भी प्यारा है, ये रंग बिरंगा हिंदुस्तान हमारा है। क्या बात है, क्या बात है डॉक्टर भावरा साहब, बहुत ही बढ़िया, बहुत ही अच्छे तरीके से आपने कविता को गाया और समझाया, सो शुक्रिया डॉक्टर साहब। तो अब हमारे पास करीब 13 मिनट हैं, अब अगले 13 मिनट में और हमारे लिए आप और क्या क्या लेकर आए हो? हाँ आशीष जी, पहले एपिसोड में हम बात कर रहे थे आजकल छोटी छोटी बातों को लेकर लोगों में निराशा की और अवसाद की जो भावना आ जाती है, कि कई दुष्परिणाम भी होते हैं छोटी छोटी बातों को लेकर, छोटा मोटा नुकसान हो गया, किसी ने मन चाही चीज नहीं दी, थोड़ी सी असफलता मिल गई, थोड़ा सा मन चाहा नहीं हुआ, नाराज हो गए, रूठ गए, थकार कर बैठ गए, तकिए में मुंह छुपा कर सो गए, और पता नहीं इससे भी ज्यादा क्या क्या कर लिया, वो ठीक नहीं। इस पर हम थोड़ी दोबारा बात करते हैं, क्योंकि आज हमारा विषय आजादी का और निर्माण का, नव निर्माण का है। तो ये निर्माण, नव निर्माण की भावना सिर्फ कहने सुनने तक नहीं होनी चाहिए, ये हमेशा मन में होनी चाहिए। एक इच्छा शक्ति, एक जीवट, एक दृढ़ संकल्प, एक पॉजिटिव सकारात्मक सोच और आत्मविश्वास, इसके लिए जरूरी है कि बच्चों को, ये नहीं कहता कि बच्चों को हम उपदेश दें या भाषण दें कि आत्मविश्वास रखो और ये करो, उसका ज्यादा असर नहीं होता है, लेकिन हम उनको, उनकी परवरिश कुछ इस ढंग से करें, अपने खुद के विचारों से, आचरण से ऐसा उदाहरण पेश करें कि आत्मविश्वास और पॉजिटिव थॉट का भाव अपने आप उनके मन में आए। मुझे याद आता है शंकराचार्य, जो बहुत बड़े दार्शनिक विद्वान और आचार्य थे भारतवर्ष के, शंकराचार्य ने एक बहुत अच्छी बात कही थी बच्चों को परवरिश के लिहाज से, गुरु को हमेशा आकाश धर्मा होना चाहिए। आकाश धर्मा मतलब आकाश की तरह के धर्म वाला, आकाश विराट, खुला, उन्मुक्त, बंधन नहीं। आकाश में कहां बंधन है, उसमें गुरु में माता पिता भी शामिल है और टीचर और गुरु भी शामिल है। आकाश धर्मा होने का मतलब यह है
कि चट्टान की तरह बच्चे पर छा नहीं जाना चाहिए। उससे आपने उसको आंधी बरसात धूप उससे तो बचा लिया, लेकिन वो कितना बड़ा होगा जहां तक आपने उसको ढक रखा है, वो ठीक नहीं है। मतलब जैसे कोई पौधा पनपता है तो उसमें जो खरपतवार झाड़ झंकाड़ आ गया है उसको आप काट दो, काट छांट कर दो, उसको सही दिशा दो, लेकिन उन्मुक्त संभावनाएं बच्चों को विकास की छोड़ देनी चाहिए। गुरु को आकाश के धर्म वाला होना चाहिए, खुला और उन्मुक्त। उस लिहाज से मैं कई बार मजाक में कहता हूं कि बच्चों को हमें पालतू नहीं बनाना है, थोड़ा उपहास में और व्यंग्य में कहता हूं मैं, ओवर प्रोटेक्शन इन अ वे इज अ कर्स। बच्चों को बहुत ज्यादा ढककर रखना, बहुत ज्यादा प्रोटेक्शन देना, उनको एक्सपोज नहीं होने देना ठीक नहीं। हमें जानबूझकर उनको वॉच करते हुए ऐसी कुछ स्थितियां पैदा करनी चाहिए कि वो जीवन के जो झाड़ झंकार हैं, झंकात हैं और थोड़ी मुश्किल कठिन स्थितियां हैं, उनसे खुद रूबरू हो और उसमें आत्मविश्वास और निर्माण की भावना बढ़े। ये तो बहुत जरूरी है, इसका बहुत दूरगामी असर पड़ेगा आगे तक। फिर क्या है कि ये जीवन है, सब कुछ हमारा चाहा हुआ नहीं होता है, हमेशा मन चाहा नहीं होता है। कुछ चीजें हमारे चाहने से हो जाती हैं, ज्यादातर चीजें नहीं होती। मुझे याद आती है बच्चन जी ने एक बहुत अच्छी बात कही थी जिसे उनके परिवार वाले आज भी मानते हैं, अमिताभ बच्चन भी कई बार कोट करते हैं उसको। बच्चन ने कहा कि अपने अपने मन का हो तो अच्छा और न हो तो और भी अच्छा, क्योंकि वो किसी और के मन का है, वो कौन है ये सब जानते हैं। सबके पिताजी ऊपर बैठे हैं, गॉड माय फादर, उसको पता है कि आपके लिए क्या ठीक है। आप जरा सी असफलता या मन चाहा काम नहीं होता तो उदास और निराश हो जाते हैं, उसके लिए बहुत ज्यादा प्रेरणा, अच्छी प्रेरणादायक बात है ये। अपने मन का हो तो अच्छा, ना हो तो और भी अच्छा, क्योंकि वो शायद किसी और के मन का है और वो और हमसे क्या चाहता है, मानना चाहिए था, मानना चाहिए किसी ने हमारा किसी ने कहा भी है, वही है सोई जो राम रखी रहता, वही है जो राम ने आपके लिए रखकर रखा है। फिर इसमें तीन बातें हैं, मैं तीन स्टेप्स मानता हूँ इसके नव निर्माण के प्रोसेस के। सबसे पहले तो यह है कि ऐसी कोई विकट स्थिति, संकट जीवन में, असफलता या निराशा का कोई स्थिति आ जाए तो सबसे पहली शर्त तो यह है कि जो बीत गया है, जो असफलता मिल गई है, उसको तत्काल मन से निकाल कर ताक पे रख दें। जो बीत गई सो बात गई, बच्चन ने कहा है, जो बीत गई सो बात गई, अंबर के आनंद को देखो, कितने इसके तारे टूटे, कितने इसके प्यारे छूटे, पर बोलो टूटे तारों पर कब अंबर शोक मनाता है। जो बीत गई सो बात गई, तुलसी ने कहा है, बीती ताही बिसार दे, आगे की सुध ले, जो बीत गया है उसको भूल जाओ, जो आगे आने वाला है उसकी सुध लो, क्योंकि जो बीत गया है वो आपके हाथ में ही नहीं है, वो छूटा हुआ तीर है, वो आपके मुंह से निकला हुआ शब्द है, वो गुजरा हुआ वक्त है, वो वापस लौट कर नहीं आएगा। इसलिए हमारे यहाँ बोलचाल में कहते हैं कि भूत के पांव उल्टे होते हैं। उल्टे क्यों होते हैं? कि बार बार आप भूत की तरफ देखते हो तो उल्टे चलने लगते हो और आपका विकास रुक जाता है। गुलाम अली की गाई हुई गजल है, उसका एक शेर मुझे याद आता है, कहाँ आके रुकने थे रास्ते, कहाँ मोड़ था इसे भूल जा, और वो जो मिल गया उसे याद रख, जो चला गया उसे भूल जा, जो बीत गई सो बात गई। और वैसे भी आशीष हम देखें, थोड़ा गौर करें तो समय तो एक ही होता है वर्तमान, वो बात तो सही है। तो मनुष्य की सुविधा भोगी कल्पनाएं, क्योंकि जीता हुआ वर्तमान अतीत है, आने वाला वर्तमान भविष्य, ये वर्तमान क्षण में ही आदमी को देना चाहिए। तो अंग्रेजी कवि ने कहा है, टाइम पास्ट एंड टाइम प्रेजेंट, व्हाट हैज बीन एंड व्हाट इज टू बी, दैट ऑल पॉइंट टू वन एंड एंड दैट इज प्रेजेंट। ये पहला स्टेप, पहला संदेश है कि अपने वर्तमान में जियो, बदी हुई दृष्टि से अपने देखो आगे। फिर दूसरा स्टेप है दृढ़ संकल्प और इच्छा शक्ति। मन के हारे हार है, मन के जीते जी, और प्रसिद्ध कहावत लोकोक्ति है ये भारत में, जहाँ चाह वहाँ राह, अंग्रेजी में भी कहा है, वेयर देयर इज अ विल देयर इज अ वे। तो ये बहुत जरूरी है
कि हम दृढ़ संकल्प शक्ति के साथ, इच्छा शक्ति के साथ, पहली शर्त अतीत को भूल जाओ, सामने देखो सदी हुई दृष्टि से, और मन में अद्भुत जीवट, आत्मविश्वास, दृढ़ संकल्प की, इच्छा शक्ति की भावना के साथ आगे बढ़ो। और फिर तीसरा और अंतिम स्टेप है अपना निर्माण, नव निर्माण, फिर नया निर्माण शुरू करो आप। मैं तो अतीत की तरफ मुड़ के ना देख, मुड़ के बार बार मुड़कर मत देखो पीछे, सदी हुई दृष्टि से वर्तमान में जियो, सामने देखो, मन में इच्छा शक्ति लेकर जहां चाह वहां रहा। उसके बाद फिर एक बच्चन की कविता मुझे याद आती है नव निर्माण के लिए, जो बहुत प्रसिद्ध गीत है बचपन बच्चन का, नीड़ का निर्माण फिर चिड़िया को लेकर कहा है उन्होंने। अब अपन देखते हैं रोज की चिड़िया से प्रेरणा लेनी चाहिए। कोई भी चिड़िया को अपने घर में घोंसला नहीं बनाने देता, बार बार लकड़ी से हटा देते हैं उसको। तो दुनिया की किसी चिड़िया ने आज तक शायद बिना घोंसले के अंडा नहीं दिया होगा। उसकी हिम्मत, उसकी जीवट देखिए, कहाँ कहाँ से तृण तृण तिनका तिनका घास पत्तियां चुन के लाती है, बार बार हटाने के बावजूद अपना घोंसला बनाती है और उसमें बच्चा देती है। तो बहुत बढ़िया गीत है ये, नीड़ का निर्माण फिर स्नेह का आह्वान फिर अरे नाश के दुख से कभी दबता नहीं निर्माण का सुख, प्रलय की निस्तब्धता से सृष्टि का नवगान फिर नीड़ का निर्माण फिर। अरे जब प्रलय के बाद दोबारा सृष्टि का विकास हो सकता है, तो तेरे छोटे मोटे ऐसे कौन से नुकसान, हानियां और गम है जिनका इलाज नहीं है, तो क्यों दुखी होता है। अतीत को भूल, मन में दृढ़ संकल्प रख, आगे बढ़, और नीड़ का निर्माण फिर स्नेह का आह्वान फिर। क्या बात है, क्या बात है डॉक्टर साहब। अब आपने जो ये सब कहा, इससे मुझे एक गीत याद आ गया, जो मुझे पता है कि आप बहुत ही अच्छी तरह से गाते हो। हम चाहेंगे कि आप उस गीत को हमारे दर्शकों को और हमारे सुनने वालों को सुनाएं। मैं बताऊं कौन सा गीत है वो? एक अंधेरा लाख सितारे। आप पूरा तो मुझे याद नहीं है, एक चुना देता हूं। जितना आपको याद है, हमारे पास वक्त भी करीब 3-4 मिनट है, तो आपको जितना याद है उतना ही सुना दीजिए और हम उसके साथ इस कार्यक्रम का अंत करेंगे। ये शायद राजेश खन्ना पर फिल्माया हुआ गीत है, किशोर कुमार ने गाया है। हमारा जो आज की थीम है, निर्माण और नव निर्माण की, उसी भावना को व्यक्त करने वाला गीत है ये। एक अंधेरा लाख सितारे, एक निराशा लाख सहारे, सबसे बड़ी सौगात है जीवन, नादा है जो जीवन से हारे। एक अंधेरा लाख सितारे, एक निराशा लाख सहारे, सबसे बड़ी सौगात है जीवन, नादा है जो जीवन से हारे। एक अंधेरा, क्या बात है, बहुत ही बढ़िया। पहचान न हो तो कैसा सुख, और उससे अगर पहचान न हो तो कैसा सुख, और कैसी बाहों में खुद आ जाए, उनकी तरफ तू हाथ पसारे। एक अंधेरा लाख सितारे, एक निराशा लाख सहारे, सबसे बड़ी सौगात नादा है जो जीवन से
बहुत ही बढ़िया, बहुत ही बढ़िया डॉक्टर साहब। मतलब इससे बेहतर हमारे आज के इस कार्यक्रम का अंत नहीं हो सकता था। आपने बहुत ही, मतलब ये गाना तो अपने आप में बहुत बढ़िया है ही, बट आपने उसे गाया भी बहुत अच्छी तरह थैंक से। यू। सो शुक्रिया, शुक्रिया, थैंक यू वेरी मच। तो दोस्तों, इसी के साथ हमारा आज का ये जो एपिसोड है, जो आज़ादी और नवनिर्माण पर निर्धारित था, हमारा ये कार्यक्रम समाप्त होता है सतरंगिनी। तो अगले शनिवार एक बार फिर आपसे मुलाकात होगी, यही ठीक 9 बजे ईस्टर्न स्टैंडर्ड टाइम और शाम 6:30 बजे इंडियन स्टैंडर्ड टाइम। तो तब तक के लिए हमें आज्ञा दीजिए। नमस्कार एंड यू हैव अ एक बार वंडरफुल डे। सबको फिर से नमस्कार बहुत डॉक्टर, शुभकामनाएं बधाई। थैंक यू। थैंक यू, ओके।